ओमिक्रॉन का संक्रमण पूरे भारत में काफी तेजी से फैलता जा रहा है, जिस वजह से अब कौन सा शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित है और कौन सा नहीं, किसी को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके लक्षण भी काफी ज्यादा आम है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा केस सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप भी घर से बाहर निकलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। दरअसल बढ़ते हुए ओमिक्रॉन केस की वजह से संक्रमितों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ निर्देश लागू किए गए हैं जिनको मानना उनके लिए ज़रूरी है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन प्रोटोकॉल्स को हवा में उड़ा देते हैं। और ऐसा ही एक केस केरला से सामने आया है जहाँ एक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति बेधड़क होकर प्रोटोकॉल्स को हवा में उड़ाकर और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालकर मॉल में घूम रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केरल में एक ओमिक्रॉन से संक्रमित शख्स प्रोटोकॉल को तोड़कर रेस्टोरेंट और मॉल में सैर को निकल गया और कई लोगों से मिला तो कई लोगों को अपना संक्रमण भी दे आया। जैसे ये खबर सरकारी आला अफसरों तक पहुंची, वैसे सभी के बीच हड़कंप मच गया और फिर इस शख्स को पकड़कर ये जिससे भी मिला या जिसके भी संपर्क में आया, उन सभी की लंबी फेहरिस्त तैयार करने में पूरी सरकार जुटी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि अब विभाग युवक का रूट मैप पब्लिश करेगी और उसके संपर्क में आए लोगों से अपील करेगी कि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने पर जरूरी प्रोटोकॉल्स का नियम पूर्वक पालन करना बेहद ही जरूरी है। बता दें कि अभी तक भारत में कुल 90 ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं, जिस वजह से अब लोगों में कोरोना का एक बार फिर डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी केंद्र सरकार इसको रोकने के लिए कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रही है। इसी तरीके की हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटें।